हेलो एंड वेलकम टू कुक विद प्रेमलता। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी एक इजी सा लाइक ये कुछ ना आप कह सकते हो जेल सीरम लाइक चीज़ है जो कि मैंने स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए बनाया है, ड्राई और थोड़ी सेंसिटिव वगैरह स्किन टाइप के लिए। या फिर ये आपकी अगर जो है ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो है आपकी स्किन को और ज़्यादा ऑयली बनाएगा। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे यूज़ कर लें। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए एक बोल ले लें, उसमें डालें आप पहला इंग्रेडिएंट जो कि है शहद। शहद जो है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, डीपली हाइड्रेट करेगा, नॉरिश करेगा और स्किन में से जो आपके दाग धब्बों को रिमूव करेगा। शहद ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है शहद थोड़ा स्किन को वार्म करता है। और ये शहद हमारे की इंग्रेडिएंट है, यानी मेन इंग्रेडिएंट है। तो शहद हम डाल ले लेंगे जितना हमें नीड है। मुझे अभी कम बनाना है इसी वजह से मैं कम ले रही हूँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा ग्लिसरीन, तो मैं ये वाला ग्लिसरीन यूज़ कर रही हूँ। ग्लिसरीन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी मेडिकल में या फिर कॉस्मेटिक स्टोर में भी, तो आपको इजीली मिल जाएगा अभी भी। तो ये ग्लिसरीन भी थोड़ा सा वार्म होता है और स्किन को नॉरिश, हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है, इसी वजह से हम थोड़ा सा ही डालेंगे। एलोवेरा जेल आप प्लांट बेस्ड या फिर नेचुरल या फिर रेडीमेड जो भी चाहो वो यूज़ कर लेना। ये मैं डाल देती हूँ और ये थोड़ा सा मुझसे निस्पिस हो गया, बट जो भी है थोड़ा सा डाल देना आप, जितना भी आपको नीड है। अब इन तीनों को मिक्स कर देना। अब मैं आपको दूंगी ना ऑप्शन कि आप इसमें जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर सकते हो। नींबू का रस ऐड करना ऑप्शनल है, मुझे नहीं ऐड करना था इसी वजह से मैंने नहीं ऐड किया। इफ़ यू वांट टू ऐड देन यू कैन ऐड लेमन जूस, अगर आपको सूट करता है देन। मुझे सूट करता है लेकिन फिर भी मन नहीं था ऐड करने का तो मैंने नहीं ऐड किया। अभी ये देखो लो, ये रेडी हो गया है। तो आप इसे क्लीन फेस पे अप्लाई करना, 5 से 10 मिनट के लिए वेट करना और फिर ना अच्छे से मसाज करना, एकदम मसाज करना जैसे कि स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, एकदम अब्जॉर्ब हो जाए। और फिर 15-20 मिनट बाद आप फेस वॉश कर लेना। देखना ये फेस में ना ग्लो देता है, स्किन को मॉइस्चराइज, नरिश और हाइड्रेट करता है। तो ये था आज का वीडियो, छोटा सा मगर इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और तो ये फेस पैक आप जो है घर पे ट्राई ज़रूर से करना। फेस पैक, जेल, सिरम जो भी आप बोलना चाहो बहुत अच्छा है और हर एक स्किन टाइप के लिए सूटेबल नहीं है, बस यही बात है। क्योंकि ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए है, ड्राई और लाइक जो होते हैं सेंसिटिव स्किन वाले लोग, नॉर्मल स्किन टाइप वाले लोग। इसे आप ऑयली स्किन पे, कॉम्बिनेशन स्किन पे, एक्ने प्रोन स्किन पे मत यूज़ करना, या आपकी स्किन को और थोड़ा ख़राब बना देगा इसी वजह से, क्योंकि इसमें ऑयल कंटेंट और मॉइस्चराइज़र थोड़ा हमने ज़्यादा डाला है इसी वजह से। सो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।